दोनों टिकट्स भेजे हैं, ये मैंने डिटेल में चेक की है। जो टिकट है ना सऊदी अरब से कराची वाला, ठीक है, वो जेन्युइन टिकट है, मसलन वो रियल है, उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। वो टिकट जो सऊदी अरब से कराची के लिए ट्रैवलिंग की गई है ना फ्लाई दुबई का, वो टिकट इश्यूड है, उसका रिकॉर्ड भी आ रहा है। लेकिन जो टिकट है ना सऊदी अरब से दुबई वाला, वो फेक है, वो जस्ट रिजर्वेशन है, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। मैंने डिटेल में चेक किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो जस्ट एक बुकिंग बनाई गई थी जो एक्सपायर हो गई है, और उसको जब भी उसका बुकिंग नंबर इंटर करो तो यही लिखा आता है कि वो टिकट एक्सपायर है। लेकिन जो कराची से सऊदी अरब वाला टिकट था फ्लाई दुबई का, वो बिल्कुल टिकट है, इशूड हुआ है, उस पर ट्रैवलिंग की गई है और वो जेन्युइन टिकट है। तस्सीन एक व्लॉगर है, उनके बारे में मेरे पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब मैंने वो उनके साथ शेयर की थी तो उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जुनैरा आप सिर्फ इतना सोच लो कि आपके ये चीज़ें शेयर करने की वजह से मेरा चैनल बंद हो सकता है। सितारा यासीन और अगर शर्म से डूब मरो, कभी तुम सलमा को मार रहे हो हालांकि वो 5 की प्रेग्नेंट है, कभी तुम सलमान को मार रहे हो, कभी तुम तमन्ना को मार रहे हो, कभी तुम मूना को मार रहे हो, हर उस इंसान को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो जो सच बोल रहा है, हर उस इंसान को तुम लोग दबा रहे हो जो सच बोल रहा है। यहाँ पर तुम दोनों सितारा और असगर जितना मर्जी इस गुनाह को छुपाने की कोशिश करो, जो गुनाह जो है अल्लाह सामने लेकर आ गए उसको तुम लोग कभी छुपा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी गुनाह का और जालिम का नहीं देता है। यहाँ पर तुम लोगों ने गुनाह कबीरा किया है, उस पाक जगह पे गुनाह कबीरा किया है जहाँ पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। यहाँ पर टिकट कल से वायरल हो रहा है ये कह के कि सलमा यासी टिकट दिखाया है, वो फेक है, वो झूठ है, और ये जो टिकट हम दिखा रहे हैं वो सच है। तो स्टार्ट में ही मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर की है, वो एक ट्रैवल एजेंट की है, उनको मैं दोनों टिकट्स भेजे, एक सलमा का टिकट, एक जो कल वायरल हो रहा है ये टिकट भेजा, और मैंने पूछा उनसे कि आया इनमें से कौन सा टिकट रियल है। उन्होंने बोला कि सलमा यासीन का टिकट है वो रियल टिकट है, बकायदा तौर पर ट्रैवलिंग हुई है और वो रियल टिकट है, उसका टिकट फेक टिकट है। लेकिन फिर भी आप लोगों को चैलेंज करती हूँ, ऑडियंस में आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों के साथ झूठ बोला जा रहा है, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। तो आप ये दोनों टिकट्स अपनी पसंद के ट्रैवल एजेंट को दें, अपनी पसंद के जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, सलमा का भी टिकट दें और जो कल वायरल हो रहा है ये टिकट भी आप लोग दें उस ट्रैवल एजेंट को, और उससे पूछें कि इन दोनों में से रियल टिकट कौन सा आपका पसंदीदा, और जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वो ट्रैवल एजेंट खुद बताएगा कि इन दोनों में से रियल टिकट कौन सा है। वो खुद बताएगा कि सलमा यासीन का जो टिकट है वो रियल टिकट है। तो यहाँ पर आप लोग फौरी तौर पर दोनों टिकट्स लें, सलमा का टिकट लें और जो कल टिकट सामने आया है वो टिकट लें, और जाएं सच्चाई मालूम करने के लिए अपनी पसंद के ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, क्योंकि यहाँ पर असगर और सितारा ने बेशर्मी की हर हद मुका दी है। अपने जवान भाई को ये मार रहा है असगर, अपनी बीवी को ये मार रहा है, अपने बच्चों को ये मार रहा है, वहीं पर सितारा यासीन ने कल झूठी कसम उठा ली अपनी औलाद की। कैमरा कभी ये सितारा यासीन पायल मलिक के पास जा रही है, कभी कृतिका के पास जा रही है, कभी जुनैरा के पास जा रही है, कभी और रिएक्शन वालों के पास जा रही है कि मेरे चैनल को बचा लो, मैंने की है मेरे चैनल को बचा लो, और कैमरा जो है ये किस तरीके से अपने बच्चों की झूठी कसम उठा रही है। इसको उस वक्त शर्म नहीं आई थी जब ये शाहरुख के पास सारैट के होटल जा रही थी, एक दफ़ा उसने पलट के अपनी औलाद को नहीं देखा कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही हूँ। और कल जब इसकी ये चैट वायरल हुई थी जिसमें ये कह रही थी कि मैं और तुम मिले हो मुकर जाना और कुरान उठा लेते हैं और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे।